हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Realme Buds T300 का। और ये जो है मैंने अमेजन से परचेस किया है 2300 रुपीज़ में, 2299 रुपीज़ इसका प्राइस है। और इसमें आपको जो है वो दो कलर देखने को मिलते हैं, एक जो है वो ब्लैक है और एक जो है वो वाइट मिलता है। तो यहाँ पे एक कलर का नाम है स्टाइलिश ब्लैक और एक जो है वो यूथ वाइट कलर का आता है। तो दो कलर ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो गाइज़ यहाँ पे ये जो है वो इसमें आप देख सकते हैं क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका जो ड्राइवर है उसका साइज़ है 12.4 mm का डायनेमिक ड्राइवर। एंड इसमें आपको 30 डेसिबल का जो है वो आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है। एंड टोटल चार्ज करने पे आपको जो 40 आवर का बैकअप देगा। अगर आप इसको बार बार केस में रख कर चार्ज करेंगे अपने ईयरबड्स को, तो टोटल 40 आवर का बैकअप मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको इसमें 360 डिग्री का जो है स्पेशल ऑडियो इफेक्ट मिलता है और 50 ms का जो है वो सुपर लो लेटेंसी मिलता है। एंड जो इसका ब्लूटूथ है वो आपको ब्लूटूथ 5.3 का कनेक्टिविटी के साथ ये मिल जाएगा। सो गाइज, ये जो है वो ईयरबड्स काफ़ी बेहतरीन है, इसको आप जो है परचेस कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें आपको मिलता है। ये देख सकते हैं Realme का ये जो है वो ईयरबड्स हैं। और इसके बॉक्स में क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पे आपको एक जो है वो यूज़र मैनुअल मिलता है, यूज़र गाइड आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक केबल भी प्रोवाइड किया गया है जिससे आप जो है इस ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दो साइजेस मिलते हैं, स्मॉल साइज़ के ईयर टिप्स मिलते हैं एंड जो है वो लार्ज साइज़ के, मीडियम साइज़ का जो है वो ईयर टिप्स इसमें लगा हुआ आता है। सो गाइस, यहाँ पे जो ईयरबड्स है इसमें आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसा है। तो इसको साइड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो यहाँ पे Realme का ब्रांडिंग किया गया है। एक मैट फिनिश इसमें आपको दिया गया है और इसमें जो है वो एक फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं आता है। और इसमें स्क्रैच भी जो है बहुत ही लेट से आपको दिखाई देगा, कोई हार्ड स्क्रैच जो है वो अगर आप करते हैं तब जाकर आपको ये दिखाई देगा। और ये मैट होने के साथ साथ आपको इसमें फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे आप इसको चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है चार्जिंग का, कनेक्टिविटी का। और यहाँ पर आपको कोई भी बटन वगैरह नहीं दिया गया है। जैसे इसको ओपन करते हैं तो ये जो है वो ग्रीन लाइट से जो है वो एक वाइट लाइट में ब्लिंक कर रहा है। तो अब ये जो है वो पेयरिंग मोड में चला गया है। और इस तरह से देख सकते हैं अंदर में आपको जो है एक ब्राउन टाइप का डार्क, एक कॉफ़ी ब्राउन जो है वो आपको एक अंदर में कलर देखने को मिलता है। एंड ईयर टिप्स जो है वो इसका भी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। और इस साइड में आपको जो है वो मैट फिनिश देखने को मिलता है यहाँ पर, और इधर ग्लॉस दिया गया है। और ये जो है वो दिखने में काफ़ी जो है वो स्टाइलिश लग रहा है। और एक जो है वो एस्थेटिक्स जो है वो बहुत ही अच्छे से इसका पता चल रहा है। और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, लाइट वेट मुझे फील हो रहा है, तो ज़्यादा हेवी भी नहीं है। और इसका जो ईयर टिप्स है वो आप देख सकते हैं, इसका केस देख सकते हैं किस तरह से चार्जिंग का जो वो स्लॉट दिया गया, बिल्कुल जैसे कि एयरबड्स आते हैं एप्पल का एयरपॉड्स, उस टाइप से जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका मैग्नेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से आप सुन सकते हैं इसका क्लिक की साउंड। सो गाइज, अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप पे। तो ये जो ईयरबड्स है इसको अगर आप चार्ज करते हैं तो 40 आवर का बैकअप मिलेगा इसमें। और अगर आप इसको 50% बैटरी पे यूज़ करते हैं तो 40 आवर का बैकअप मिलेगा एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ पे। और अगर आप इसको जो है वो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर सुनते हैं तो यहाँ पर आपको 30 आवर का बैकअप मिलेगा। और उसके साथ अगर आप जो है वो इस ईयरबड्स को यूज़ करते हैं एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन पे तो 8 आवर का बैकअप मिलेगा। और ऑन रख कर सुनते हैं म्यूज़िक 50% वॉल्यूम पे तो आपको 6 आवर का बैकअप मिलेगा। और कॉल जो है वो आपको ऑन एन एवरेज 4 आवर का बैकअप दे देगा ईयरबड्स। उसके बाद आप बार बार चार्ज कर इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको आप जब वो 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 7 आवर का टोटल बैकअप ये ईयरबड्स दे देगा। और इस ईयरफोन को जब आपको कनेक्ट करना होगा आपको अपने फ़ोन से, तभी जाकर आप इसके जो है वो स्पेशल ऑडियो और इसके एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करना होगा फ़ोन के ऐप के थ्रू। और डायरेक्टली आप जो है वो ईयरबड से भी कर सकते हैं, बट आपको जो है वो थोड़ा बहुत और कस्टमाइजेशन जो है वो इस ईयरफोन का आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है वो Realme Link ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पेयर डिवाइस का ऑप्शन आएगा आपके इस ऐप में। तो पेयर डिवाइस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं खुद ये जो है वो सर्च कर लेगा। और यहाँ पे ये जो है Realme Buds T300 का जो लोगो आ चुका है और इसका नाम भी आ गया है। तो इसको आप जो है वो टैप कीजिए और ये देख सकते हैं वाइट कलर का जो है लाइट जो है वो आपके ईयरफोन के केस में ब्लिंक करता रहेगा। यहाँ पे आप इसको अलाउ कर दीजिए पेयर का। और ये जो है वो अब
पेयर हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या कुछ मिलेगा इन्फॉर्मेशन इस ईयरफोन का। 100% जो वो दोनों ईयरफोन्स जो है वो दोनों ईयरबड्स का चार्ज्ड है एंड इसका केस जो है वो 80% चार्ज है। यहाँ पे आप जो है वो इसको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब आप इसको निकालेंगे तभी जाकर आप ये काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है, ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो ऑन हो गया है। और यहाँ पे आप इफेक्ट्स को भी कुछ कुछ आपको मिल जाएगा, क्लियर वोकल्स, नेचुरल बैलेंस, फिर जाकर क्लियर बेस, बेस बूस्ट, ये सब जो है आप इसको कर सकते हैं। एंड इक्वलाइजर का भी जो है आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपने खुद से जो है वो इक्वलाइज कर सकते हैं, आप बेस वोकल्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको 360 जो है आपको एक सराउंड साउंड जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और इस ईयरफोन में ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑफ है ये, जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 360 स्पेशल ऑडियो है, वो आप जो है वो सुन सकते हैं। और इसमें आपको वॉल्यूम इन्हेंसर का जो है वो सपोर्ट मिलता है, फर्दर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं वॉल्यूम को। और गेम मोड मिलता है, गेम मोड अगर आप ऑन करेंगे तो इसमें आपको जो 50 ms का सुपर लो लेटेंसी मिलता है, तो जब भी आप गेम खेल रहे हो तो जो लैग होता है, लेटेंसी फील होता है, वो आपको बहुत कम मिलेगा। और यहाँ पे आपको फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, ये आप ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो है वो ईयरफोन कनेक्ट रहेगा तो आप प्रेस करेंगे लेफ्ट और राइट के ईयरबड्स को 4 times आप जो है वो कंटिन्यूसली टच करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको आपके फ़ोन को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इस तरह से आप जो है वो अपने कनेक्टेड ईयरबड से आप जो है वो फ़ोन को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको जब वो डबल टैप और ये सब का भी कस्टमाइजेशन मिलता है, आप इसको जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे जो मिलता है, जैसे कि देख सकते हैं डबल टैप आप करेंगे एक साइड के ईयरबड्स को तो आपका जो म्यूज़िक है वो आप प्ले पॉज कर सकते हैं, या नेक्स्ट करना हो तो ट्रिपल टैप करना होगा, या फिर टच एंड होल्ड करेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन ऑफ होगा और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन होगा, फिर जाकर आप टच एंड होल्ड करेंगे 2 seconds तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन और ऑफ होगा। तो इस तरह से आपको यह फंक्शन मिलता है। राइट साइड के ईयरबड्स से एक्शन क्या है कि डबल टैप करेंगे तो प्ले पॉज इससे भी मिलेगा, नेक्स्ट ट्रैक जो है वो ट्रिपल टैप पे मिलता है, एंड यहाँ पे जो टच एंड होल्ड करेंगे तो स्विच कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप स्विच कर सकते हैं नॉइस कंट्रोल्स को, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट और फिर जाकर गेम मोड वगैरह, उसको आप जो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड, ये दोनों का ऑप्शन मिलता है। सो गाइज, अब मैं जो है वो इस ईयरफोन को जो है वो साउंड क्वालिटी जो अपने माइक के थ्रू आपको सुनाता हूँ कि किस तरह से इसका साउंड जो है वो आता है। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मुझे कैसा इसका साउंड लगा है, कैसा इसका म्यूज़िक का परफॉर्मेंस लगा है, वो सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। बट अभी आप मेरे माइक के थ्रू आप सुन सकते हैं कि कैसा इसका साउंड का क्वालिटी है। ये देख सकते हैं आप डबल टैप करेंगे तो आपका जो म्यूज़िक है वो ऑफ हो जाएगा, और फिर डबल टैप करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे 2 seconds तो आपका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑफ होकर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन होगा, और ट्रांसपेरेंसी मोड और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को आप 2-2 seconds होल्ड करके जो स्विच कर सकते हैं। तो गाइज़, ये जो ईयरबड्स है रियलमी बर्ड्स T300, इसका साउंड क्वालिटी और माइक टेस्टिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका साउंड क्वालिटी में बताता हूँ। तो साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतरीन लगा है मुझे, जिस प्राइस पे ये अवेलेबल है 2300 rupees में। तो 2300 rupees में आपको एक अच्छा नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है 30 decibel का, और उसके साथ साथ आपको 360 degree का जो है स्पेशल ऑडियो का भी इफेक्ट आपको इसमें मिलता है। तो साउंड क्वालिटी पे आते हैं, तो मैंने इसको जो यूज़ किया है और मुझे जो वो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा है। मिड्स वोकल्स वगैरह जो वो काफ़ी बेहतरीन है, और बेस जो है वो खासकर वो भी बहुत ही अच्छा है, और आप बेस को इसमें इन्हेंस भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा मूवी वगैरह देखना है जिसमें आपको एक वॉइस इन्हेंसर जो है वो यूज़ करना हो तो वो भी आपको इसके ऐप में देखने को मिलेगा। तो उसके थ्रू आप जो है वो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको आप जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसका जो है इक्वलाइज़र का भी ऑप्शन मिलता है, तो अपने आप कस्टम जो है इक्वलाइज़ कर सकते हैं आपको वो
वोकल्स मिड्स जो भी चाहिए उस तरह से आप जो इसको इक्वलाइज कर यूज़ कर सकते हैं, और वो सब फ्री है और इसके ऐप में इनबिल्ट दिया हुआ है। और टाइम टू टाइम आपको जो है वो OTA अपडेट भी मिलेगा, जिससे आपको जो है बहुत सारे और चेंजेस देखने को मिलेंगे इस ईयरफोन में। और 360 डिग्री का जो स्पेशल ऑडियो का इफेक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसको लगाकर आप जब मूवीज़ वगैरह देखेंगे, स्ट्रीम करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। एक 360 सराउंड साउंड जो है आपको इस ईयरफोन में देखने को मिल जाएगा। और इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो 30 डेसिबल का जो है वो मिलता है, वो बहुत ही बेहतरीन है। उस 30 डेसिबल में आपको एक बहुत ही मिनिमम जो है वो नॉइज़ जो है वो आसपास के आपके सराउंडिंग्स के सुनाई देंगे, बाकी ये जो बिल्कुल साइलेंट आपको जो है वो कर देगा आपके सारे इन्वायरमेंट को, जो भी आसपास के जो है वो अप टू आपको जो वो 35 डेसिबल और 30 डेसिबल के जितने भी नॉइजेज हैं उनको ये कैंसिल आउट कर देता है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका माइक टेस्टिंग कैसा है। तो माइक का इसका क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों साइड आपको दो माइक दिए गए हैं, जिससे आपका जो वो नॉइज़ कैंसिलेशन है कॉल के लिए वो जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो अभी मैं अपने एक माइक के ऐप के थ्रू इसके माइक को यूज़ कर सुनाऊंगा, रिकॉर्ड करवा कर आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से ये जो वर्क करता है। हेलो हेलो। सो गाइस, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो इसके माइक के थ्रू मैं जो बोल रहा हूँ, और वही जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। जो ईयरफोन्स में दिए गए हैं चार माइक, दो एक साइड जो है वो ईयरफोन में दिए गए हैं ईयरबड्स में, और दो जो है वो इस साइड दिए गए हैं। तो दोनों को मिलाकर जो है एक इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन जो है वो क्रिएट होता है, जिससे ओवरऑल जो है वो जितने भी नॉइजेज हैं उनको ये कैंसिल आउट कर सकता है। और जितना भी इसका जो है कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। कॉल्स में आपको कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा, और बहुत ही ज़्यादा आप नॉइजी प्लेसेस पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक मिनिमम ट्रैफिक वगैरह हो गया, या जिम का जो है वो एक इन्वायरमेंट हो गया, या फिर जाकर कोई मीटिंग वगैरह, तो वहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत नॉइजेज है उसको ये अच्छे से कैंसिल आउट कर देगा। और माइक का क्वालिटी भी काफ़ी क्रिस्प है, आप इससे कॉल वगैरह कर सकते हैं, मीटिंग और जो वो जूम कॉल्स वगैरह ले सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप इसी तरह से और जो है वो वीडियो चाहते हैं, जिससे कोई भी प्रोडक्ट को मैं जो है एक अच्छे से ब्रेक थ्रू कर आपको वीडियो बनाऊं और बताऊं कि किस तरह से जो वर्क करता है और पूरा डिटेल वीडियो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इस ईयरफोन के बारे में तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।